धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं गाथाओं के अंशों के द्वारा। आगे कन्या सूत्र में कहा है, लाभुत्ति ने मज्जिज्जा, ए लाभुत्ति ने सोइज्जा। इसका अर्थ अभिप्राय है कि वस्तु के मिलने पर गर्व ना करे और ना मिलने पर शोक ना करे। लक्ष्य यहाँ पर साधु जीवन का है। साधु जीवन के अंदर साधु को, साध्वी को उसकी आवश्यकता अनुसार चीजें आसानी से मिल रही हैं, पर्याप्त मिल रही हैं, तो उसका घमंड ना करे, और नहीं मिल रही हैं तो शोक ना करे, शिकायत ना करे, मन में हीन भावना लेकर के ना आए। कई बार मैं भी ऐसा देखता हूं कि किसी साधु साध्वी को कोई चीज जल्दी से और आसानी से मिल जाए तो मन में एक ख्याल सा आ जाता है, मेरी पुनवानी, मेरी अंतराय कर्म टूटी हुई है, मेरे परिचित लोग कितने हैं, मेरे को ये चीज आसानी से मिल जाती है। एक अजीब प्रकार का घमंड सा दिखाई देता है जो नहीं होना चाहिए। किसी किसी साधु साध्वी की इमेज कुछ ऐसी बन जाती है कि वे वो समाज में किसी संस्था के निर्माण के लिए, धन के लिए आह्वान करते हैं तो उनके चाहने वाले भक्त एकदम से पैसों की लाइन लगा देते हैं। पैसा दातार दे रहा है, चैरिटी के, भलाई के, संस्था के निर्माण में लग भी जाएगा, लेकिन जो प्रेरणा देने वाला है वो कई बार अहंकार में आ जाता है, मैंने कर दिया, मेरा प्रभाव इतना है, एक इशारा देते ऐसा हो जाता है। लेकिन कदाचित किसी के पास ऐसी पुण्यवानी नहीं है और कोई साधन मान लो जल्दी से नहीं मिलता, तो ऐसे में मन में निराशा ना लाए, हताशा ना लाए, शोक ना करे, मन में हीन भावना ना लाए, सहज रूप से रहे, तो साधु जीवन के लिए विशेष बात है। और किसी हद तक आप ग्रस्त में रहते इन चीजों से थोड़ा उपरत रहें। आपके जीवन में भी कई बार किसी के पास धन आसानी से आ जाता है, किसी और नहीं आता है, किसी का मान सम्मान खूब हो जाता है, किसी का नहीं होता है, किसी के पास भौतिक साधन ज्यादा है, किसी के पास नहीं है या कम है या बहुत सादे से हैं, तो मन में हीन भावना ना लाए। तो जीवन में तटस्थ रहने का अभ्यास जीवन में करना चाहिए। सामायिक भी यही प्रेरणा देती है। अगले सूत्र में कहा है, बहुमपी लद्धुम ने नीहे परिग्रहाओ अपाणम अवसिक्किज्जा। कहा है कि अधिक मिलने पर भी संग्रह ना करे, परिग्रह वृत्ति से अपने को दूर रखे। मान लीजिए साधु के पास किसी चीज की विनती ज्यादा आ रही है, कपड़ा हो सकता है, पात्र हो सकते हैं, दवाई की बात हो सकती है, और अन्य कोई साधन या इसमें चातुर्मासों की विनती ले लो, तो मन में ऐसा नहीं कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ऐसा और ज्यादा वाला ख्याल ना पाल के ये विचार करे, हाल फिलहाल इतने समय तक मेरा काम आसानी से चल जाएगा। अब मान लो कोई प्लान कर रहा है 3 साल के बाद पात्र अभी रख लूं, तो 3 साल आगे तक के पात्र रख करके क्या करेगा, कितना उनका उपयोग कर लेगा। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी साधन है, उनका संग्रह ना करे, संग्रह करता है तो ये परिग्रह की वृत्ति है, और परिग्रह की वृत्ति अंततः व्यक्ति को अंदर से परेशान करती है, असंतोष पैदा करती है और असुरक्षा की भावना भी पैदा करती है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक सूत्र है, कामा दुरति कम्मा। कामा दुरति कम्मा का अभिप्राय है कि कामनाओं का पार पाना बहुत कठिन है। कामना कहते हैं इच्छा को, लालसा को, हवस को, तृष्णा को। ये कामना, लालसा, इच्छा, हवस, तृष्णा संसार में चहुं और पांव पसारे हुए है, और व्यक्ति के मन में ये ख्याल कम ही आता है,
बस इतने अपना गुजारा चल रहा है और ज्यादा की हाय नहीं करनी। ऐसी प्रेरणाएं आपको धार्मिक आध्यात्मिक सूत्र देंगे, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो आपको ऐसी प्रेरणा नहीं देगा। वो कहेगा कि आप कैसे आगे बढ़ें, कैसे तरक्की करें, कैसे चीजों को मल्टीप्लाई करें, कैसे आपकी दौलत अंधाधुंध बढ़े। ठीक है, संसार में आप व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सूत्रों को हम दो हिस्सों में बांट करके हमेशा देखें, एक साधु जीवन और एक गृहस्थ जीवन। साधु जीवन की जहां तक बात है, उसे तो निश्चित तौर पर अपनी कामना लालसा हवस पर नियंत्रण करना ही चाहिए, उसे तो कंट्रोल करना ही चाहिए। यदि साधु भी जाल में फंसेगा तो साधु के जीवन में भी अशांति बढ़ेगी, और साधु भी कहीं ना कहीं उन कामनाओं से लिप्त होगा तो दुख का कारण बन सकता है। तो इन चीजों से अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास करना है, कामनाओं को कंट्रोल में करना है। अब बात आती है आप गृहस्थी लोगों की। भगवान महावीर ने काम धंधा व्यापार करने के लिए गृहस्थ पर अंकुश नहीं लगाया, भाई इतना जरूर कहा कि कामनाओं में इतने अंधे मत हो जाना कि धन कमाने के चक्कर में 15 प्रकार के कर्मादानों में अंधाधुंध लगे हुए हैं, उनसे बचना। जहां महाआरंभ होता है, व्यापक हिंसा होती है, उन चीजों या उस प्रकार के व्यापार से अपने आप को बचाना। हमारे कुछ जैन लोग जिन्होंने साबुन का काम दिल्ली किया और राजस्थान में किया, दिल्ली में नवलखा साबुन वाला परिवार, राजस्थान में ओसवाल सोप वाले, गवर्नमेंट ने कहा कि आप साबुन बनाते हो, चर्बी का लाइसेंस ले लो, 4 पैसे बच जाएंगे। ताकि नहीं, चर्बी नहीं मिलाएंगे, कम कमा लेंगे, कम खा लेंगे, अपने को ऐसा काम नहीं करना। ये क्या है? कामना पर अंकुश लगाना है। तो कामना इच्छाओं पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, और अंधाधुंध कामनाएं व्यक्ति को कहां 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 खींच के ले जाती है, और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन्हीं कामनाओं से पीड़ित और परेशान होता है। आप लोग लगभग प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर उत्तराधन सूत्र की वाचना साधु साधुओं के मुखारविंद से सुनते हैं, जिसमें कपिल कुमार मुनि का वर्णन आता है, और कपिल कुमार मुनि के जीवन के दो हिस्से हैं, एक मुनि बनने से पहले का भाग और एक मुनि बनने के बाद का। कथानक लंबा है, मुझे कथानक लंबा चौड़ा विस्तार में नहीं कहना है, बस सार इतना सा है कि वह विद्या अध्ययन के लिए शहर आता है, दासी के रूप जाल में फंसता है, विद्या अध्ययन चौपट हो जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। अब गृहस्थ चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी और धन का कोई जुगाड़ बन नहीं रहा था। कहीं से आइडिया मिला कि यहाँ का राजा ब्राह्मणों को फला दिन फला समय पर 2 मासा सोना दान में देता है, इस प्रकार का ख्याल उसके मन में डाला गया। 2 मासा सोना लेने के लिए जब जब जाता है, या तो टाइम आगे पीछे होता है, उसे वो 2 मासा सोना नहीं मिलता। किसी ने कहा, भैया टाइम पे पहुंच, सोता रह जाता है, लेट सवेर जाता है। वो बेचारा सोया ही नहीं 2 मासे सोने के चक्कर में, और रात को चांदनी रात थी, चांदनी रात में सोचा दिन निकलने वाला है, चल दिया, और राजमहल के बाहर प्रहरियों ने, चौकीदारों ने, गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। समय आने पर राजा के सामने पेश किया, और राजा ने सारी चीज उससे पूछी, बेचारे ने सच सच बतला दिया, 2 मासा सोने की बात थी, मैं जल्दी जल्दी निकल गया, आपके लोगों ने पकड़ लिया, इतनी सी बात है। राजा उसके भोलेपन पर, सज्जनता पर, सीधेपन पर बड़ा प्रभावित हुआ, कहने लगा, ऐसा है, मैं तेरे को कुछ समय देता हूं, एकांत में चला जा और अच्छे से सोच ले कि जो तू मेरे से मांगेगा वो मैं दे दूंगा। अब वो एकांत में चला जाता है, अब उसकी कामना बढ़ने लगी। कामना क्या बढ़ने लगी? कि कामना ये बढ़ने लगी कि राजा ने तो कह ही दिया कि जो मांगोगे दे दूंगा, तो राजा से क्या मांगूं, 2 तोले क्या मांगना है, 2 मासे क्या मांगना है, इतना मांगूं, फिर 10 तोले, 20 तोले, 1 किलो, 2 किलो, और वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया
कि सोचता है राजा का आधा राज्य मांग लूं। आधा राज्य का ख्याल आते थोड़ी देर रुका, फिर विचार करने लगा, आज तो आधा राज्य मिल जाएगा, कल को राजा नाराज हो गया और मेरे ऊपर हमला करके आधा राज्य वापस ले लिए तो बड़ा संकट हो जाएगा, आधा क्या पूरा राज्य मांग लूं। उसकी कामना का विस्तार 2 मास से तोले से बढ़ते बढ़ते संपूर्ण राज्य तक पहुंच गया और संपूर्ण राज्य तक पहुंचने के पश्चात उसके जीवन में अकस्मात परिवर्तन आया। पीला पत्ता झड़ता है, देखता है, नश्वरता क्षणभंगुरता का ख्याल आता है और एकदम से विचारधारा परिवर्तित होकर विचार करता है, धिक्कार है मेरे को, राजा ने कहा था जो मांगोगे दे दूंगा और मेरी कामना मेरी तृष्णा हवस इतनी बढ़ी कि मैं 2 मास सोने से बढ़ते 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 आधा राज्य पूरे राज्य तक पहुंच गया, बेकार है सब। और बाद में वो राजा के पास जाता है, दीक्षा की बात कहता है, दीक्षा स्वीकार कर लेता है, साधु बन जाता है, कपिल मुनि बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण करता है। ये कामना की बात केवल कपिल मुनि पर घटित नहीं होती, आज भी लोगों के ऊपर घटित होती है। एक गली मोहल्ले का छोटा सा पार्षद बनता है, अगले चुनाव के लिए सोचता है कि अब तो मैं विधायक बन जाऊं, MLA बन जाऊं, एक बार MLA बना मैं सांसद बन जाऊं, सांसद बन गया केंद्रीय मंत्री बन जाऊं, केंद्रीय मंत्री बन गया अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, यहां भी तृष्णा बढ़ती है। तो कई तरह की तृष्णाएं संसार के अंदर लोगों में लगी रहती है, ये कामना तृष्णा इच्छा लालसा हवस ये व्यक्ति को असंतोषी बना देती है और व्यक्ति संग्रह वृत्ति में लगा रहता है। और संग्रह वृत्ति के साथ साथ कुछ गृहस्थी लोग ऐसे भी होते हैं, धन कमाते हैं, धर्मादा निकालते हैं, दान निकालते हैं, चीजों को बैलेंस करते हैं, कुछ ऐसे भी आप में गृहस्थी लोग मिलेंगे जो एक समय सीमा के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने परिग्रह की मर्यादा बांध लेते हैं कि बस इतने से ज्यादा अपने पास अपने नाम से अपने संरक्षण में नहीं रखना। ऐसे भी संतुष्ट लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो लगातार धन की वृद्धि पर फोकस रखते हैं। तो हम अपने जीवन में सोचें, साधु का जीवन अलग है, गृहस्थी को कमाने के अख्तियार हैं, लेकिन गृहस्थी व्यक्ति भी अपनी इच्छा कामना लालसा को नियंत्रण में रखे। कोई व्यक्ति विचार करता है कि भाई इन कामों में इतनी ज्यादा बचत नहीं है, लेकिन फला प्रकार का नशीला पदार्थ लाकर के बेचो उसमें मुनाफा ज्यादा है, लग गए जी एक दिन फंस जाते हैं। तो बहुत तरह की इच्छा कामनाएं व्यक्ति के जीवन में संकट को पैदा करती हैं। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करता हूं, जीवियम दुपड़ी बुहुगम, नष्ट होते जीवन का कोई प्रतिव्यूह यानी प्रतिकार नहीं है, नष्ट होते जीवन को रोकने वाला कोई उपाय कोई रंग ढंग तरीका नहीं है। आप देखिए कि आप बचपन से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे जवानी में आते हैं, जवानी से प्रौढ़ावस्था में आते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आपको लगता है कि अब तो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 60 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, 60 को पार कर गए हैं। तो व्यक्ति विचार करता कि बस बुढ़ापा ना आए, जवानी बरकरार रहे और मैं 100 साल तक जीऊं, ऐसी कामना मन के अंदर आ जाती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने निषेध नहीं किया है, लेकिन ये भी निश्चित है कि जो जन्मा है एक दिन उसको जाना है। शरीर में परिवर्तन आएंगे, बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होंगे, बाल भी जाएंगे, आंखों की रोशनी पर प्रभाव आएगा, दांत भी जाएंगे, शरीर में अन्य बीमारियां आएंगी। वर्तमान में तो बाल दांत की तो कोई विशेष चिंता करता ही नहीं है, आज BP शुगर थायराइड ये आते हैं, साथ साथ तो पीछे पीछे गंभीर बीमारियां इनके साथ साथ वो भी आ जाती हैं और व्यक्ति का जीवन एक दिन नष्ट हो जाता है। तो शरीर की रक्षा के लिए कोई डॉक्टर समर्थ नहीं है, डॉक्टर की भूमिका एक सीमा तक है। कोई दवाई ऐसी नहीं है कि आपकी जवानी बरकरार रहे और कोई ऐसा मंत्र नहीं कि जवानी बरकरार रहे, एक दिन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित तौर पर होगी। और एक उद्योगपति व्यक्ति मेरे को मिले, उनके चांदी की तरह बिल्कुल सफेद बाल थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। मैंने कहा जो रोज लोग बाग
अपने बाल काले करते हैं आपके तो बिल्कुल चांदी की तरह है। बोले महाराज मैंने अपने जीवन में एक धारणा बना रखी है कि जीवन जो मिला है इसे स्वाभाविक दिया जाए और समय आने पर बाल सफेद हैं तो उनको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन लोग बाल को काले करते हैं, करें कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीमा के बाद व्यक्ति अपने मन में धारणा बना ले बस भाई 50 साल की उम्र के बाद कोई बाल काले वाले नहीं करने, जो जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे। तो जीवन में सहजता को लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सूत्र का मर्म है कि नष्ट होते जीवन की रक्षा सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है, एक दिन शरीर ढल जाना है, लेकिन आप अपने आप को जितना मेंटेन करके रख सकते हैं, आप योगा प्राणायाम खान पान का संयम इत्यादि के द्वारा जितना अपने आप को बचा सकते हैं वो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस संदेश को दिमाग में रखें, एक दिन जीवन को पूरा होना है। तो ये शिक्षा आप स्वीकार करें, आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करेंगे।